हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आरबीएससी बुक एंड क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट ए को लेकर के फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और रिएक्टेंट बी के लिए वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें तीन चीज़ें आपसे पूछी हैं। नंबर वन कि रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए को लेकर के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के लिए सेकंड ऑर्डर, तो हम स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो ये तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर हो जाएगा कि भाई अगर रिएक्शन रिएक्टेंट ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और रिएक्टेंट बी के लिए सेकंड ऑर्डर है तो रेट लॉ आप किस तरीके से लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल्स टू के इंटू पावर ऑफ ए 1 एंड पावर ऑफ बी 2। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इसमें क्या पूछा है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें, जो है वही रखें, और बी की कंसंट्रेशन को 3 times इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन पर आपको बताना है इफेक्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज 3 times इंक्रीजेस। तो देखिए आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, आर वन इज इक्वल्स टू आपने लिखा के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, ये तो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन है। अब सेकेंड आर टू यानी कि सेकेंड केस में मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को एज इट इज़ रखा है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी जो है उसको मैंने बी की जगह 3B लिखा है, ठीक है, और रिएक्टेंट बी के लिए रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो ये 3B का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। यू नो 3² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और बी स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा। 3B की होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 9B² हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया सेकंड केस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ। R1 जब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को हमने ए माना और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या माना, बी माना, ये तो R1 है फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मैंने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को ए ही रखा और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को मैंने बी की जगह क्या कर दिया, 3B कर दिया। अब मैं इन दोनों कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन R1 और R2, R2 कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी को क्या कर चुके हैं, बी की जगह 3B कर चुके हैं, मतलब 3 times बढ़ा चुके हैं, 3 times उसको हमने बढ़ा दिया है। अब मैं R1 और R2 का कंपैरिजन करूँगा, R2 डिवाइड बाय R1 यानी कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास साफ साफ वैल्यू आ जाएगी, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल्स टू 9 एंड R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 9 यानी कि जब हम रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को 3 times बढ़ा देंगे, 3 times बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 times बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है यानी कि बी स्क्वायर से 3B² हो जाएगा और 3B² यानी कि 9B² और 9 times रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। थर्ड पार्ट में इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ जिसमें ये बोला गया है अगर रिएक्टेंट ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैंने 2 equations लिखी हैं, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। R1 के लिए मैंने नॉर्मल इक्वेशन लिखा, जब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को मैंने कैपिटल ए बोला और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को मैंने कैपिटल बी बोला। अब R2 के टाइम मैंने क्या किया, ए को कर दिया 2A, दुगना कर दिया, 2 times डबल कर दिया, और बी की कंसंट्रेशन को मैंने 2B कर दिया। यू नो ए की पावर तो 1 थी तो 2A का ए की जगह 2A आ गया, लेकिन बी स्क्वायर था तो 2B² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4B², ठीक है। इस तरह से मैंने R1 और R2 कौन से केस में है, जब A और B दोनों को क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया। अब इन दोनों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, R2 डिवाइड बाय R1, जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपके पास वैल्यू आएगी R2 डिवाइड बाय R1, आपके पास 8 आएगा एंड R2 इज इक्वल्स टू आएगा R1 इंटू 8 यानी कि जब आप रिएक्टेंट ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग वाले R1 के कंपेरिजन में 8 times क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन मैंने बता दिया है 2 reactants है ए एंड बी, ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, और इस हिसाब से इसमें 3 चीज़ें अलग अलग पूछी थी। पहला केस था रेट लॉ लिखना, सेकंड केस था
अगर बी की कंसंट्रेशन को 3 times इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। और थर्ड केस यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका था कि अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू मैं भेज रहा हूँ, तो बने रहें यहाँ पे एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इजीली। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।